कोरोना वायरस दुनिया भर में कहर बरपा रहा है। इस लाइलाज महामारी से बचने के लिए लोग अब भगवान के दर पर हैं। कहीं मंदिर में हवन हो रहे हैं तो कहीं आरती और प्रार्थना का दौर जारी है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के वजीराबाद इलाके की, जहां महामारी से देश को बचाने के लिए हवन और रामकथा का आयोजन किया गया है। रामकथा एक हफ्ते तक जारी रहेगी। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए साफ सफाई की जरूरत है। प्राचीन काल में हवा और वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन पूजन होते थे। इसी वजह से लोगों ने हवन और रामकथा के आयोजन का निर्णय लिया है। लोगों को उम्मीद है कि यज्ञ से देश में फैल रहा जानलेवा वायरस भी खत्म होगा। दिल्ली की तरह यूपी के मुरादाबाद में भी कारोबारियों ने मंदिरों में महाआरती और भगवान से वायरस के खात्मे के लिए प्रार्थना की। महामारी को लेकर देश में आपात की घोषणा कर दी गई है। यूपी सरकार भी अलर्ट है। लोगों को वायरस से बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल सब बंद हैं। फिर भी देश में वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। जो इस समय छाया हुआ है पूरा विश्व जानता है, इसको जड़ से समाप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना की है कि हे भगवान, हे परमपिता परमात्मा, इस बीमारी को जड़ से मुक्त करिए, क्योंकि यह है महामारी, बहुत ही खतरनाक है। आस्था के चलते लोग अब भगवान के दर पर हैं, लेकिन जरूरी ये है कि सावधानी बरतें और डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक साफ सफाई का ध्यान रखें, तभी इस महामारी से बचाव हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हर आपदा से भगवान बचाए, हर बला से ऊपर वाला महफूज रखेगा। जी हां, जब दवा बेअसर हो तो दुआ में असर तलाश करने की रवायत बहुत पुरानी है, और वही रवायत इन दिनों हर गली मोहल्ले, हर गांव शहर में देखने को मिलता है। कोरोना के कहर से बचना है तो हवन करो, यही स्वाहा होगा कोरोना। अब इसे आस्था की पराकाष्ठा ही कहा जाएगा कि जहां मेडिकल साइंस इस कहर से बचने के लिए सावधानी बरतने पर जोर दे रहा है, जहां सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक लोगों को एक दूसरे के संपर्क में आने से दूर रहने को कहा जा रहा है, वहीं बागपत गांव के लोग एक साथ जमा होकर हवन कर रहे हैं। लाउड स्पीकर लगाकर मुनादी की जा रही है। घर घर जाकर कोरोना के कहर से बचने वाला प्रसाद बांटा जा रहा है। बागपत के लोगों को उम्मीद है कि हवन कुंड में कोरोना स्वाहा हो जाएगा, लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि आपकी आस्था अपनी जगह है, लेकिन आपकी सावधानी और एहतियात ही आपको कोरोना के कहर से बचा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।